हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। यह हमारी वीडियो एसएससी मॉक टेस्ट मैथ्स की है। हम इसमें मॉक टेस्ट ऑफ मैथ करेंगे, मैथ का मॉक टेस्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, ना ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा ईजी। सेम अपना जो मॉक टेस्ट होगा वो एग्जाम लेवल का होगा, और आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ क्वेश्चन को निकालते जरूर रहें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा होगी और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, ताकि आप जो अपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम जितने आज के मॉक टेस्ट में हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट करते हैं कि 500 इज इन्वेस्टेड एट 10%, 10% पे इन्वेस्ट कर गए हैं पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद इंटरेस्ट एड कर दिया जाता है प्रिंसिपल के अंदर, देन After how many years the amount will become this? अगर हमें अमाउंट निकालना है तो इसका मतलब प्रिंसिपल इसके अंदर एड ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो पूछा नहीं है इन्होंने, तो प्रिंसिपल एड होगा। तो टोटल अमाउंट 12,500, जिसमें से 5,000 तो प्रिंसिपल हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? 7,500 जो हमारा इंटरेस्ट आया है, 7,500 हमारा इंटरेस्ट आया है। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि 10% ब्याज दर है और 10 साल का, अगर मैं 10 साल को 10% से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 100%। 10 साल में 100 का 100%, 100% कितना है? 5,000। तो 10 साल में 5,000 ब्याज हो जाएगा। अगर 10 साल में 5,000 ब्याज हो जाएगा तो 5,000 इसमें से फिर माइनस कर देंगे, ये 10 साल का ब्याज हो गया है, तो हमारा जो कितना ब्याज बाकी है? 2,500 कितने दिन का होगा? 2,500 कितने साल का होगा? जब 10 साल का ब्याज है वो 10% की उससे इतना हो गया है, अब जो हमारा ब्याज होगा वो 2,500। 2,500 कितने दिन में होगा? अब ये बताना है हमें। तो देखिए, जब इसमें ऐड हो गया है कि ये जो 5,000, तो हमारा 2,500 बचा। अब हमें 2,500 को कैसे बांटना है? देखो, 5 साल में क्या हुआ था कि 10 साल के बाद ये ब्याज इसी में ऐड हो गया था प्रिंसिपल के अंदर, 5,000 ब्याज हो गया, 5,000 प्रिंसिपल हो गया। फिर से हमारा जो अगला जो ब्याज लगा है वो 10,000 पे लगा है। अगर वो 10,000 के ऊपर लगा है तो 10,000 का जो 2,500 कितने साल में हो जाएगा? अगर 10% के ब्याज दर से हो गई तो वो तो 2.5 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा, 2.5 साल के अंदर। तो 12.5 ईयर हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ, आप लोगों को एक बार और, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 5,000 जो हमारा था इन्वेस्टमेंट था, 10% के ब्याज दर पे, और 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल में ही ऐड हो जाता है, तो 10 साल तक कितना हो जाएगा? 10 साल का 10% ब्याज, तो 100% ब्याज हो जाएगा। 100% ब्याज मतलब एग्जैक्ट प्रिंसिपल, अगर 5,000 प्रिंसिपल था पहले, उसके बाद 5,000 10 साल में ब्याज लग गया, तो टोटल कितना हो गया? अब 10,000 प्रिंसिपल हो गया। अब इससे वाला जो ब्याज, आगे वाला ब्याज लगेगा वो हमारा 10,000 के ऊपर लगेगा, और हमें टोटल जो ब्याज दे रखा, टोटल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 12,500। 12,500 में से 5,000 प्रिंसिपल हो गया, 5,000 ब्याज लग गया, तो 10,000 तो ये हो गए, कितने बचे? 2,500। अब 2,500 जो ब्याज है वो 10,000 पे लगेगा, क्योंकि इसने 10 साल बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दिया है। अब ये पूरा 10,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसके ऊपर 2,500 हमारा ब्याज लग गया। तो 2,500 ब्याज लग गया कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। और ईयर निकालने हैं, तो अभी ईयर यहां से निकाल देंगे, ये यहां से ये आ गया, और ये 2,500 था, 3 जीरो थी, तो एक 3 जीरो कट गई, एक ये यहाँ पे, तो 2.5 आ गया। देखो, 10 साल तो पहले लगा, अब 2.5 साल अब लग गया, तो टोटल जो हमारा ब्याज लगा है वो 12.5 साल में लगा है, टोटल कितने में? 12.5 साल में। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एक सर्टेन सम उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द मनी 9 मंथ, 9 महीने के लिए ब्याज लगा कितने की दर से? 5% की, 5% पर एनम इज 135 लेस देन, 135 रुपए कम है किससे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम उसी मूल्य पे 15 मंथ के लिए, और 6% उसका एनम पर एनम था। तो सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, 9 मंथ पे 5
पर एनम पे जो नाइन्थ मंथ का ब्याज होगा वो कितना होगा। अब आप ही सोचिए कि पांच पर एनम सा जो ब्याज लग रहा है वो नाइन्थ मंथ पे डायरेक्टली कर लेते हैं यहां से, नाइन मंथ का 5% तो 9×5=45%, तो मान लीजिए 45% ब्याज लगा है। अब उसके बाद में यहाँ पे भी पर एनम दे रखा है तो हमने सेम यूनिट मान ली, तो 15 मंथ के लिए 6% पे लगा, तो 15×6=90% यहाँ पे लग गया ब्याज। देखो पहले में 45% लगा, दूसरे में 90% लगा। अब इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है वो 135 रुपीज के, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 45%, तो 135 जो रुपीज थी, 135 जो रुपये थे वो 45% की वैल्यू हो गई। 45% की वैल्यू हो गई तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई तीन, तो एक की वैल्यू तीन, और 100% की वैल्यू 300, और जो पूरे एनम का निकालना है फाइंड दी सम, तो पूरे साल का निकालना है तो 12 से गुणा कर देंगे, 12×24=36, 3600 रुपये, 3600 रुपये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक बार और बताता हूँ आपको, एक बार फिर से देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट फॉर 9 मंथ, 9 मंथ के लिए ब्याज लगा 5% पर एनम की दर से, जो 5% पर एनम है, तो एनम तो वैसे तो ईयर होता है, पर हमें दिया गया है कि दोनों जगह ईयर ईयर है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें इसका डिफरेंस दिया गया है। तो मैं मान लेता हूं कि 5% पर मंथ की दर से ब्याज था, हो सकता है। अब फिर उसको बाद में हम एनुअल में ही बना लेंगे 12 से गुणा करके। तो देखो अभी जो 9 मंथ का ब्याज था वो 5 की दर से, तो 5×45% ब्याज हो गया, 45% ब्याज हो गया। अब ये जो 15 मंथ का जो ब्याज था 6% की दर से, तो 15×6=90, तो यहाँ पे 90% ब्याज हो गया। तो अभी देखो ये 45% ब्याज है, ये 90% ब्याज है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 45%, और इसी 45% की वैल्यू इन्होंने 135 दे दी, क्योंकि ये लेस दिया है, तो 45% की वैल्यू 135, 1% की वैल्यू 3, 1% की वैल्यू 3, और 100% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू 300। अब ये 300 जो 100% की वैल्यू आई है ये मंथ की आई है, ईयर में बदलने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा 53rd क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम, जो हमारा रेट ऑफ परसेंट है वो 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए, 5% पर एनम फॉर द सेकंड ईयर, एंड 8% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, तीनों साल के लिए ब्याज दे दिया। व्हेन विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,500 फॉर ढाई ईयर्स, 12,500 का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा ढाई साल के अंदर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ढाई साल के अंदर मीन्स पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरा साल आधा। अगर तीसरा साल आधा है, अगर किसी को ईयर को हाफ ही 6 महीने 6 मंथली निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उसका जो हमें रेट दिया गया है उसको हाफ कर देते हैं, उस हाफ रेट पे हम निकालते हैं। तो देखो, और टाइम को 2 से गुणा कर देते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो हमने देखो मान लिया ये यहाँ पे 4% था, 4% से फर्स्ट ईयर पे, तो 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, तो 25 का ब्याज 26 आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 5% मतलब 1/20, तो 20 का ब्याज 21 आ गया होगा। अब है 8% आधे ही साल के लिए निकालना है, तो आधे साल के लिए 8% का 4% हो जाएगा। अगर 8% का 4% हो जाएगा, फिर ईयर को डबल करते हैं तो हाफ ईयरली एक ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी ईयरली 4% की उसे निकाल देंगे, 4% की वैल्यू 25 से 26। अब इन तीनों को देखिए, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 को 20 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करता हूँ 625 को, तो 1250 में 10 और ये 12,500 आ गया, 12,500 आ गया। अब ये देखिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 12,500, तो 12,500 की वैल्यू 12,500 ही दे रखी थी। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितना आया होगा, अभी देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 26 का स्क्वायर 676, इसमें 21 का टेबल अगर नहीं आता हो तो छोटे उसमें तोड़ लो इसको फ्रैक्शंस में, जैसे 21 का होता है 3×7,
तीन गुना सात भी लिख सकते हैं हम। अब देखो, सात को अगर छह से गुणा कर दूं, सात छिक बयालीस, चार सातों सात उनचास, उनचास और चार तिरपन, पांच सात छिक बयालीस और पांच सैंतालीस, तो 47, 32 आ गया। अब इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 चौके 12 और 2 14, तो 14,196 आ गया, और ये 12,500 था। तो 12,500 तो हमारा प्रिंसिपल था जो हमें दिया गया था, इसके ऊपर ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से माइनस कर दूंगा, तो अमाउंट हो गया 14,196 और 12,500। 12,500 में से जब 196 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 6 एज इट इज बचेगा, उसके बाद में ये 9 बचेगा, उसके बाद में ये यहाँ से एक कैरी आ जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 13 बच गया, 13 में से 12 गया 1, तो 1696 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बिल्कुल अच्छे से समझाया ये, इसीलिए इसको रिपीट नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नेक्स्ट 54th पे चलते हैं, मीन्स फोर्थ क्वेश्चन अपना आज का। 54th क्वेश्चन आपके सामने है, ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 15 मैन, 15 मैन के द्वारा 25 दिन में एक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट कर दी जाती है। ओके, द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 15 वोमेन इन 30 डेज, 15 वोमेन के द्वारा वही जॉब 30 दिन में कंप्लीट कर दी जाती है। हाउ मेनी डेज दे नीड टू कंप्लीट द जॉब इफ 50 मैन एंड 50 वोमेन डू द वर्क टूगेदर, तो 15 मैन और 15 वुमेन वर्क करेंगी। इसका एक आसान मेथड होता है, वो होता है जैसे 15 मैन और 25 डेज है, तो 15 तो मैन हो गए और उनके 25 दिन उन्होंने काम किया, तो 15 × 25 उसके ऊपर जो हमारे कितना मैन आगे काम करेंगे, 15 मैन कितने दिनों तक काम करेंगे, डी हमें निकालना है। अब इसके प्लस में कर देंगे, इसके प्लस में क्या कर देंगे, टोटल काम ऑफ वुमेन, टोटल वर्क ऑफ वुमेन 15 × 30, 15 वुमेन ने 30 दिनों तक काम किया, अब कितनी करेंगी, 15 वुमेन करेंगी, तो 15 ऊपर इंटू में डी, डी हमें जो निकालना है, ये टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, d/25, और उसके बाद में जो हमारा 15 से 15 कैंसिल, d/30, तो d/25, d/30, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अभी देखियो एलसीएम ले लेंगे और डी तो कॉमन ही आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, डी यहां से कॉमन निकल के आ गया और उसके बाद एलसीएम आ गया 25 या 75, आसान एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 6 150 एलसीएम आ गया, तो 3, 5, 15 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे 5 दिन, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 का 150, तो 6 दिन यहाँ पे आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा, 5 और 6 इसका ऊपर 11 सम हो गया और यहाँ पे 1 था, तो इस साइड देखो अब ये D से यहाँ से इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 150 बाई 11 आ गया, तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 1 जा 11 एक बार जाएगा, उसके बाद आगे देखिए 1 पे जाने के बाद 11 1 जा 11, तो 1 आ गया, अब उसके बाद कितना बच गया, 40 40 11 3 33, 3 आ गया, फिर उसके बाद 33 40 में से 33 गया 7 7/11, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोहन एंड राहुल आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, रोहन टेक 6 आवर, 6 आवर लेता है, 42 पेज टाइप, 42 पेज, तो रोहन 6 आवर लेता है 42 पेज को टाइप करने के लिए, तो 1 आवर में कितने पेज टाइप करता होगा, 7 पेज, 1 आवर में 7 पेज, 7 पेज, 1 घंटे का लिख लिया मैंने, रोहन 1 घंटे में 7 पेज कवर करता है। उसके बाद में देखिए, राहुल टेक 5 आवर टू कंप्लीट 40 पेज, राहुल 5 घंटे में 40 पेज कवर करता है, तो राहुल 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में 8 पेज। हाउ मच टाइम दे विल टेक वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करने में, टू डिफरेंट कंप्यूटर ऑन टाइप एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट टाइप करने के लिए दोनों एक ही, दो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अलग अलग पे, और एक ही असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं जो जिसके 135 पेजेस हैं, अगर 135 पेज हैं और राहुल जो 1 घंटे में 7 पेज लिखता है, रोहित
रोहन 7 पेज लिखता है, राहुल 8 पेज लिखता है, तो दोनों मिला के 1 घंटे में 15 पेज लिख देंगे, तो 135/15, क्योंकि 1 घंटे में 15 लिख देंगे, 135 सारे पेज लिखने हैं, तो 15 * 135 तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब की आपको दिखाते हैं, 9 हमारा ऑप्शन आपके सामने है, तो ये हमारा 9 है, 9 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 56th मींस 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्री टेप्स, तीन नलके हैं, नल है ए बी सी, कैन फिनिश टैंक, फिल ए टैंक इन 12, 15 and 20 आवर, तो ए और बी और सी, तो एक 12 आवर में भर सकता है, एक 15 आवर में भर सकता है और एक 20 आवर में भर सकता है रिस्पेक्टिवली। इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए तो पूरे समय खुला रहता है, बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली, बी और सी एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली खोले जाते हैं, स्टार्ट विद द टैप बी, टैप बी से स्टार्ट किया जाता है बी और सी में, देन द टैंक विल बी फुल इन, तो टैंक कितने दिन में फुल होगा, तो ये 12 घंटे, ये 15, ये 20, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इनका आएगा 60, अगर ये 60 एलसीएम आएगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12, 5, 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी 4 और जो सी की एफिशिएंसी 3, ये आ गया है। अब हमारा ए तो ऑल टाइम खुला रहता है, तो 5 तो हमारी एफिशिएंसी हर बार होगी, हर घंटे होगी, और पर ये इनमें से अल्टरनेटिव खुले जाते हैं, अल्टरनेटिव मतलब पहले घंटे ये खोल दिया, बी से स्टार्ट करते तो पहले घंटे बी खोलेंगे, अगले घंटे सी खोलेंगे, तो एक घंटा ये, तो सीधे डायरेक्ट 2 घंटे के लिए मान लेते हैं कि 2 घंटे में कितना भरेंगे, ये एक बार 4 खुलेगा, एक बार 3, तो 2 घंटे में 7 भर देंगे, और ए 2 घंटे में कितना भरेगा, 10 भरेगा, 10 तो ए भरेगा और 7 हमारे बी और सी भरेंगे, तो टोटल 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 17 पानी भरा जाएगा। अब 17 हमारी टोटल की वैल्यू कितनी थी, 60 टोटल थी, 2 घंटे में हम 17 भर रहे हैं, तो 17 × 34 मतलब 4 घंटे में 34, 17 × 34 = 51, तो मतलब 6 घंटे में 51 पानी भर देंगे हम, हमने टोटल कितना भरना है, 60 भरना है, 60 भरना है और 51 हमने भर दिया 6 घंटे के अंदर 51 भर दिया है, तो हम अब 9 बच गया हमारा, तो 9 कैसे भरेंगे, एक तो अगले घंटे 5 तो चलेगा ही और उसके साथ में बी चलेगा क्योंकि सी पर हमने एंड कर दिया है, अब तो बी चलेगा, तो 5 और 4 = 9, पूरा 9 ही भरेगा, हमने 9 ही भरना है, तो 1 घंटा और ज्यादा लग जाएगा, 6 घंटे हमारे वहां गए, 1 घंटा ज्यादा लग गया, तो 7 घंटे हो गए टोटल, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो समझने में या समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लिख दें आपकी प्रॉब्लम, तो उस पे कमेंट बॉक्स डेली चेक किया जाता है, जब भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 2 men undertook a do a job for इतने रुपए, देखिए 2800 रुपए, 2 आदमी एक जॉब करने के 2800 रुपए लेते हैं, कैसे एक जॉब के 2800 रुपए लेते हैं, 1 of them alone can do in 7 days, तो उनमें से एक आदमी तो 7 दिन में काम कर सकता है, एंड द अदर कैन डू इन 8 days, अदर 8 days में, तो इनका एलसीएम 56, टोटल काम हमने मान लिया 56, अगर 56 टोटल काम मान लिया तो ए की एफिशिएंसी 8 और बी की एफिशिएंसी 7, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय, बॉय की हेल्प से दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 days, 3 दिनों में ही उन्होंने सबने मिलकर काम कंप्लीट कर दिया, हाउ मच मनी विल द बॉय गेट, तो उस लड़के को कितनी मनी मिली होगी जिसने उनकी हेल्प की थी, तो देखिए 3 दिन में इन्होंने भी काम किया, बॉयज ने भी काम किया, तो बॉय टोटल काम कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने 3 दिन कितना काम किया, 1 दिन में ये 8 करता है, ये 7 करता है, टोटल ये 15 कर देते हैं, 15 3 दिनों में इसने कितना कर दिया, 15 × 3 = 45 काम इन्होंने कर दिया, 56 टोटल काम था जिसमें से 45 इन्होंने कर दिया, तो 5, 50 और 6 = 11 काम बच गया, 11 काम किसने किया, बॉय ने, 11 काम किसने किया, बॉय ने, तो 11 जो बॉय को पैसे मिले वो 11 काम के ही मिले होंगे, 56 में से 11 काम बॉय ने किया, तो 56 ऊपर 11 और मल्टीप्लाई 2800, क्योंकि टोटल रुपीज थे 2800, तो अभी ये जो 28 × 56 होता है, तो 28 × 56 अभी ये 11 और 00 1100 1100/2 मंथ, 1100 का आधा कितना होता है, 110 × 55, तो 1100 का 550 हमारा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
देयर वर 24 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 24 स्टूडेंट है, वन ऑफ देम हुज वाज 18 ईयर ओल्ड, एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी लेफ्ट द क्लास, वो क्लास को छोड़ गया, एंड हिज प्लेस वाज फिल्ड बाय अप फिल्ड बाय अप न्यू कमर, उसकी जो प्लेस थी वो एक न्यू कमर से भरी गई है, इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास देयर बाई वॉज लोअर्ड बाई वन मंथ, जो पूरी क्लास की जो ओवरऑल एवरेज एज थी वो एक मंथ से डाउन हो गई, एक मंथ से कम हो गई, द एज ऑफ न्यू कमर इज, तो न्यू कमर की एज बतानी है। देखो अगर 24 स्टूडेंट थे क्लास के और उन सबकी जो एज है वो वन मंथ से डाउन हो गई तो कितने मंथ हो गए, 24 मंथ से डाउन हो गई। 24 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं, कितने ईयर होते हैं 24 मंथ्स में, दो साल, दो साल से डाउन हो गई सबकी एज, तो वो दो साल से डाउन क्यों हुई, क्योंकि वो जो एक बंदा जो गया है और वो जो नया आया है उनकी बीच में दो साल का डिफरेंस होगा, इसीलिए तो पूरी क्लास पे दो साल का असर पड़ा। तो अगर डाउन हुई है तो जो आया है वो बंदा भी डाउन होगा, उससे जितने का गया है वो उससे कम ही होगा, तो 18 साल वाला बच्चा गया है और उसमें से जो नया न्यू कमर आया है वो 16 साल का आएगा, तभी तो दो साल डाउन जाएगी क्लास की एज, तो टू ईयर डाउन, तो 18 साल से दो कम 16 साल, 16 साल हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान था, आप थोड़ा समझने पर ध्यान दें ताकि आपके जो दिमाग में जो प्रैक्टिस करने की है वो थोड़ी तेज होगी। कैसे आप क्वेश्चन को सोचेंगे कि 24 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट चला गया जिसकी एज 18 साल थी और उसके जाने और उसकी जगह पे नए लड़के आने से वो क्लास की जो पूरी 24 क्लास जो 24 बच्चों की क्लास थी, एक गया है एक आया है, तो क्लास की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस चीज पे पड़ा, उनकी एज पे, कितनी कितनी घट गई एक महीना हरे बच्चे की, हर बच्चे की टोटल बच्चे कितने थे 24, तो 24 मंथ मीन्स दो टू ईयर, दो साल से अब पूरी क्लास की एज घट गई, तो क्यों घटी है, क्योंकि वो जो नया बंदा आया है वो उससे दो साल कम होगा जो पुराना वाला था, तो पुराना वाला 18 साल का था तो नया वाला कितने साल का होगा 16 साल का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए एक्स इज 40% लेस देन वाई, जो हमारा एक्स है वो वाई से 40% लेस है, देखिए एक्स मैंने ये मान लिया और वाई मैंने ये मान लिया, तो x जो y से 40% लेस है, 40% लेस है तो मतलब y 100 होगा और x 60 होगा, x 60 होगा। अब देखिए क्या पूछा गया है, देन y सक्सीड x by, तो y जो कितने ज्यादा है x से, कितने परसेंट ज्यादा है, तो y कितना ज्यादा है x से, 40 ज्यादा है, किससे x से, x की कितनी है 60, तो इंटू में 100, तो ये 2/3, 2/3, 1/3 होता है 33%, 33 ही 1/3, और 2/3 होगा 66 से ही 2/3%, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं, मींस 10th क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, क्वेश्चन आपके सामने है, स्पाइडर क्लाइम 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन द फर्स्ट आवर, कि पहले आवर में वो इतनी हाइट पोल की वो चढ़ गई, आगे क्या दिया है, इन द नेक्स्ट आवर, अगले जो घंटे में, इट कवर 25% ऑफ द रिमेनिंग जो बची हुई है उसका 25% उसने कवर किया अगले एक घंटे के अंदर, द पोल हाइट इज 120 मीटर, जो पोल की जो हाइट थी टोटल हाइट 120 मीटर थी, देन द डिस्टेंस क्लाइम बाई द स्पाइडर इन सेकेंड आवर, तो दूसरे घंटे में जो स्पाइडर है उसके द्वारा कितना डिस्टेंस चढ़ा गया, तो यही बताना है हमें, तो हमें पता है जो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, स्पाइडर ने पहले घंटे में 1/6 डिस्टेंस चढ़ ली थी, मींस 6 में से एक डिस्टेंस चढ़ दी थी, अब टोटल डिस्टेंस हमने दे मान रखी है यहाँ पे 6 और इन्होंने दी हुई है 120, अगर 6 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू 20, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 20 इससे 6 से 1 घट के 5 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू 100, इसका मतलब अभी 120 में से 20 इसने चढ़ लिया है और 5 बाकी है, 5 कितना है 100, अब 100 बाकी है, अब नेक्स्ट क्या है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग हाइट, अब रिमेनिंग हाइट कितनी है 100 का 25% वो किस में चढ़ेगी, अगले घंटे में चढ़ेगी, नेक्स्ट आवर में चढ़ेगी, तो सेकंड आवर में वो कितनी चढ़ेगी 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वो अगले घंटे में सेकंड आवर में वो 25 मीटर चढ़ेगी, 25 मीटर क्लाइंब करेगी।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, ऐसे ही आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो चलते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको डेली या एक डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, और हर एक मॉक टेस्ट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक होंगे हमारे। आज फर्स्ट मॉक टेस्ट है मैथ का, तो आज 10 क्वेश्चन करते हैं। आगे हम अपनी स्पीड भी थोड़ी तेज करेंगे, और आपको जो भी हमने थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए किया है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आपका एग्जाम है आप जल्दी जल्दी रिविजन कर लें। आई थिंक आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े क्लियर होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका SSC CHSL आने वाला है, उसकी 100% तैयारी कर दीजिए अब की बार, और आखिरी बार सिलेक्शन लेना है अब की बार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।